सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल 2 मिनट सॉल्यूशन में, जहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद इन 2 मिनट। तो अपना कीबोर्ड यूज़ करते हो तो वो आपको सिंपल यहां पर शो हो रहा है। जैसे ये मेरा कीबोर्ड है, ये एकदम सिंपल शो हो रहा है। और अगर आपको यहां पर कोई थीम वगैरह या फिर कोई भी इमेज वगैरह लगानी है तो आप कैसे लगा सकते हो। आ जाता हूं बैक। जैसे ही आप यहां पर बैक आओगे, आपको खोलना है यहां पर अपनी सेटिंग। जैसे ही आप यहां सेटिंग खोलोगे, यहां पर आपको लिखना है लैंग्वेज एंड इनपुट। ये लैंग्वेज एंड इनपुट का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ करंट कीबोर्ड पे जी बोर्ड लगाना चाहिए। बस यहाँ पर जी बोर्ड लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बोर्ड लगने के बाद इस पर आपको करना है क्लिक। ये देखिए, जी बोर्ड लगा हुआ है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मैनेज कीबोर्ड पे गया। मैनेज कीबोर्ड्स पे जाने के बाद ये आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस सेटिंग पे ऑप्शन पे करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस थीम के ऑप्शन पे करना है आपको क्लिक। अब यहाँ पर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम लगी है। अगर मैं ये डिफ़ॉल्ट डार्क पे करता हूँ तो जो मेरा कीबोर्ड होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लैंडस्लाइड देख सकता हूँ। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे अभी ये यहाँ डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है, देखिए पीछे का बैकग्राउंड हो गया है चेंज। तो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई आपका जो कीबोर्ड होगा इसको अप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैं जैसे यही उसको यहाँ पर अपने कीबोर्ड का बॉर्डर भी खोल लेता हूँ, ठीक है। बॉर्डर खोले या ना खोले आपकी मर्ज़ी है, मैंने बॉर्डर खोल लिया, ठीक। और यहाँ से उसको अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का वाकई में कीबोर्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई हम लोग अपने अभी यहाँ पर व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए गाइस, मेरा जो कीबोर्ड की जो थीम थी पीछे वाली वो हो गई है चेंज। अब यहाँ से आप कोई भी थीम लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर अच्छी लगती है आप यहाँ से लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।